एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ पांच अच्छे प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेज़न से मंगवाए हैं। सो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद माई हॉल स्टोर। माई हॉल स्टोर क्या है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक लिंक दिया हुआ है माई हॉल स्टोर का। ये मेरा हॉल स्टोर है, जितने भी ये जो मैं अमेजन के हॉल्स करती हूँ वो सारे हॉल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इस मेरे हॉल स्टोर में लिस्टेड होंगे। तो आपको अलग अलग वीडियोस में जाकर के सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मैंने कहाँ क्या बताया है, आप डायरेक्टली मेरे स्टोर पे जाकर के सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे देख पाएंगे। तो जो मेरा सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है, मैंने पांच प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, थोड़े एक्सपेंसिव है बट मैं आपको उनका रिव्यू अभी दूंगी। तो जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है ये मोरिकन ट्रीटमेंट का ऑयल। दिस इज मोरिकन ऑयल। सो बेसिकली मैं जब अपना हेयर वॉश करवाने के लिए गई थी तो मुझे उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप ये ट्राई कर सकती हैं, एंड ये मैं काफ़ी टाइम से ट्राई भी करना चाहती थी। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई अ स्मॉलर वर्जन, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा स्मॉल आएगा, मतलब दिस इज इन द साइज ऑफ माई मिडिल फिंगर। ये इतना छोटा बॉटल है एंड ये 1200 रुपये का है। इसका जो बड़ा साइज वाला बॉटल आता है, जो फुल साइज आता है, वो आता है आई थिंक 3112-200 ऐसे कुछ का आता है। तो मैंने सोचा हो सकता है मेरे बाल पे सूट ना हो और मैं इतना महंगा मंगवा लूँ और फिर मतलब वेस्ट हो जाए वो, सो इसलिए मैंने ये छोटा सा बॉटल मंगवाया है। सत्य हो, ये देखो पूरा वेव्स एंड ये मेरा टेक्सचर वापस आ गया है, ऐसे छोटे छोटे से, जो ऐसे हल्का सा मेरा नेचुरली जो टेक्सचर है बालों का वो स्ट्रेट ही है, सेमी स्ट्रेट ही है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो ये स्ट्रेटनिंग है वो जा चुका है। मैंने शैम्पू करने के बाद ये लगाया था और मेरे बालों को मुझे कोई स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ये वैसे ही काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट हो गए हैं। तो डेफिनेटली जो उसका प्राइस है एक्सपेंसिव तो है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक्सपेंसिव नहीं है, बट आप कोई अच्छे प्रोडक्ट पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इसका एक छोटा बॉटल परचेज कर सकते हो अगर आपकी बहुत फ्रिजी एंड ड्राई हेयर है। मैंने सिर्फ एक ड्रॉप लिया था, एक ड्रॉप, क्योंकि अगर आपने ज्यादा लिया तो ये बहुत स्टिकी हो जाएगा। सिर्फ एक ड्रॉप लेकर के पूरे अपने सेमी वेट हेयर में लगा दिया था एंड इट वर्क्ड अमेजिंगली, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। तो मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल का ये मंगवाया है फेशियल उपटन नारंगी नाग केसर, क्योंकि मेरा जो पहला वाला उपटन मैंने मंगवाया था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैंने एक और सेकेंड ट्राई किया एंड दिस इज स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन एंड ये आपकी स्किन को एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है। काफी सही है ये, आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो या तो आपको इसमें शावर लेते टाइम थोड़ा सा पानी डालिए या फिर दही डालिए या आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं। नॉर्मली आपको स्किन पे इसको लगा लेना है, एक मिनट के बाद वॉश कर लेना है, तो ये आपकी स्किन को एक अच्छा सा स्क्रबिंग इफेक्ट भी देगा, साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो रिमूव करेगा। एंड इनफैक्ट दिस इज सो गुड एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट होते हैं, आपको पता ही होगा फॉरेस्ट एसेंशियल के। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है वो है ये नया ब्रॉन का मिनी हेयर रिमूवर, मैंने ये परचेस किया है। तो आई थिंक आपने काफी सारे यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स के पास ऑलरेडी ये देख ही लिया होगा। तो ये नया प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में लॉन्च हुआ है, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ब्रॉन एंड बहुत लोग आजकल फेशियल हेयर रिमूव करते हैं अपने, सो दिस इज अ गुड ऑप्शन एंड मुझे भी ये काफी ज्यादा पसंद आया। ब्रॉन के प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी मेरा जो एपिलेटर है फेस का वो मेरा ब्रॉन का ही है, सो आई नो कि इनके प्रोडक्ट कितने ज्यादा सही होते हैं। तो इसको अपन ओपन करके देख लेते हैं। ये इस तरह से स्लीक से पैटर्न में आता है, बिल्कुल बुलेट स्टाइल में, लिपस्टिक के साइज का है ये। पहले मैं जो फेस रेजर्स यूज करती थी वो मिनीसो के आर द बेस्ट फेशियल रेजर्स हैं एंड वो मैंने बहुत बल्क में खरीद के रखे थे, तो एक साल अभी वो आराम से चल रहे हैं और मेरे पास 2-3 है बट उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो आई वॉन्ट समथिंग कि मुझे बार बार फेशियल रेजर ना खरीदना पड़े। एंड जो लोग इस तरह के हैं जिनको फेशियल रेजर से कट लग जाता है, बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं, दे वांटेड टू ट्राई फेशियल रेजर्स बट हमेशा जब भी वो प्रैक्टिस करती है तो उनका क्या होता है, कट लग जाता है फेस पे। सो दिस इज बेस्ट थिंग आई गेस। तो मैं आपको इसको पास से थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं सबसे पहले, तो लाइक दिस ये ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर छोटे छोटे से ब्लेड्स दिए हुए हैं, ये किस तरह से चलता है ये देखिए, ये एक लाइट दिया हुआ है सो दैट आप अपने फेस को देख करके आराम से कहाँ का आपको रिमूव करना है वो आप रिमूव कर सकते हैं। ये है एंड ये इस तरह से ऐसे रिमूव, ये लाइक दिस, वो भी आप हेयर रिमूव करेंगे ना उसको आपको यहाँ से ओपन करना है एंड इसके अंदर वो फिल इन हो जाएंगे। सो आई एम जस्ट क्लीन शेव्ड राइट नाउ। आपको अगर अपना फेस क्लीन रखना पसंद है, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट योर मनी इन दिस
लिटिल बुलेट काइंड ऑफ अ शेवर, इट्स वेरी क्यूट। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, ये है बॉडी शॉप का विटामिन सी फेस पॉलिश, एंड ये बहुत टाइम से मेरे विशलिस्ट में था बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बिकॉज इसके मैंने मिक्स्ड रिव्यूज देखे थे कि ये कुछ लोगों को एक्ने देता है, कुछ लोगों को कुछ करता है, कुछ लोगों को कुछ करता है, ऐसे मिक्स्ड रिव्यूज इसके थे, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इसको लिया जाए या नहीं लिया जाए। बट देन आई फाइनली थॉट कि लेट्स ट्राई इट, ट्राई करके देखते हैं बिकॉज अभी तो समर आ गई है, आई रियली वॉन्ट समथिंग, मतलब मुझे एट दिस स्टेज मेरा जो स्किन का जो ऑयलीनेस होता था ना, जो मुझे बहुत ऑयल आता था, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। या तो आप बोलो कि मैं अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ इसलिए, या एज के साथ कम हो गया है, या जिस भी रीजन से कम हुआ है, मेरी एक्सेस एक्सट्रीम ऑयली स्किन हुआ करती थी वो मेरा बहुत हद तक कम हुआ है। तो आई रियली वॉन्टेड समथिंग, बट मुझे वो ड्राइनेस वाला स्किन का फैक्टर नहीं अच्छा लगता बिकॉज आपकी स्किन में फिर वो शाइन नहीं रहती। मुझे एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाहिए था जो मेरी स्किन को ऑयली भी ना रखे बट साथ ही साथ मेरी स्किन को एक ग्लोई एंड शाइन प्रोवाइड करे, सो दिस इज दैट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मैंने अपने व्लॉग में भी शेयर किया था दैट आई गॉट दिस वन फॉर विक्की, तो ये है ब्रॉन का ऑल इन वन ट्रिमर और ये 9-in-1 स्टाइलिंग किट के साथ आता है, दिस इज अमेजिंग। एक्चुअली व्हाई आई गॉट दिस वन, विक्की के पास एक ऑलरेडी ट्रिमर है फिलिप्स का जो कि हमने लॉकडाउन में परचेस किया था, बट उसमें सिर्फ आप ट्रिमिंग ही कर सकते हो, उसमें हेयर कट आप नहीं कर सकते हो। दिस इज द वन जिसमें काफी सारे टूल्स एंड काफी सारी चीजें दी हुई हैं, एंड उसको एक अच्छा सा ट्रिमर चाहिए था जिसमें सारे अटैचमेंट्स और एक बार लेकर के झंझट खत्म, मतलब 7-8 साल वो आराम से चल जाए। तो ब्रॉन के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली काफी अच्छे होते हैं, तो लेट्स जस्ट open it. सो इट कम्स विथ डिफरेंट अटैचमेंट्स, मैं बहुत इन डेप्थ तो नहीं बताऊंगी बिकॉज दिस इज मोस्टली माई वीडियोज आर वॉच्ड बाई वेमेन, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ रफ कि अगर आपको अपने हस्बैंड को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपने किसी को भी गिफ्ट करना हो तो आप एक कंसिडर कर सकते हैं ये ऑप्शन, बिकॉज मेन को गिफ्टिंग ऑप्शन, मेन के गिफ्टिंग ऑप्शन लिटरली बहुत कम है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, कोई भी लड़का देख करके इसको खुश हो जाएगा। सो दिस इज द मेन ट्रिमर, काफी अच्छी बिल्ड है इसकी, यहाँ से ये ओपन होता है पर सेटिंग्स दिया हुआ है, तो दिस इज फॉर हेयर कटिंग सेटिंग, आपको कितने बाल कितना छोड़ करके मतलब कटिंग करना है एंड ऑल दैट, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है बट जितना मुझे विक्की ने बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कितने लेवल पे इसको रखना है। काफ़ी सारे अटैचमेंट्स हैं जैसे कि इसमें एक बॉडी ग्रूमिंग का भी अटैचमेंट है वाला, दिस इज फॉर नोज एंड ईयर अटैचमेंट है, दिस इज फॉर प्रिसिशन ट्रिमिंग, मतलब अगर कोई शेप दे करके आपको प्रिसाइसली कट ट्रिम करना है तो ये उसके लिए दिया हुआ है। ये है लॉन्ग बियर्ड के लिए, ये शॉर्ट स्टबल के लिए, शॉर्ट बियर्ड के लिए, तो ऐसे अलग अलग काफी सारे इसमें अटैचमेंट्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट इन्होंने अलग से ये जो बियर्ड शेविंग वाला क्लीन शेव वाला जो किट होता है वो भी दिया हुआ है, तो इट्स यू नो इट्स लाइक एन ऑल इन वन प्रोडक्ट है ये। आई एम श्योर आप जिसको भी गिफ्ट करेंगे ना वो एकदम उसका दिल खुश हो जाएगा और उसको मजा आ जाएगा। इसमें इसके एक पाउच भी आता है सो दैट आप सारी चीजें अपने इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एंड आपका ताकि जो सामान है वो सेफ रहे। सो आई रियली लाइक दिट, विथ चार्जिंग केबल के साथ आता है ये, आप इसको चार्ज करिए एंड इसकी जो बैटरी है वो काफी दिन तक चलती है। सो यस दैट्स इट फॉर माय वीडियो, आई होप आपको इसमें से कुछ तो यूजफुल लगा ही लगा होगा, एंड अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप माय हॉल स्टोर चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया रहेगा वो भी आप चेक कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर माय वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है एंड यूजफुल लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।